हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई मस्त सी वीडियो में आप सभी भाई लोगों का स्वागत है। कैसे हैं मेरे भाई लोग? आई होप आप लोग सब कोई बढ़िया होंगे गाइस, फुल ऑन मस्ती मार रहे होंगे, फुल ऑन मजे कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में ना गाइस, हम लोग बात करेंगे होंडा की लेटेस्ट लॉन्च के बारे में, जो कि होंडा किसो यानी होंडा साइन 100 CC में जो लॉन्च हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और क्या आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। होंडा की तरफ से जो एक्टिवा आती है गाइज, जो कि अपने स्कूटर सेगमेंट में राज करती है, और होंडा की शाइन आती है जो कि 125 CC में है, वो वहाँ पर राज करती है गाइज। लेकिन ना होंडा की एक भी बाइक नहीं है जो आपको 100 CC में देखने को मिल जाए। हीरो की तरफ से आपको बाइक देखने को मिल जाती है जो कि स्प्लेंडर है, वो अभी तक 100 CC में राज करती है गाइज। उसी को टक्कर देने के लिए ना होंडा ने अपना शाइन लॉन्च किया है 100 CC में। तो आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो फ्रंट से शुरू करते हैं गाइज। फ्रंट में ना आपको यानी इस बाइक में आपको कहीं भी LED देखने को नहीं मिल जाएगी, आपको सब जगह आपको हैलोजन सेटअप देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, रियर में, और इसके ब्लिंकर्स भी आपको हैलोजन बल्ब में ही देखने को मिल जाएंगे। इसके ना गाइज मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर ना आपको ट्विन पोर्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको लेफ्ट की तरफ ना आपको स्पीडोमीटर, उसी में आपको ऑडोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, और राइट की तरफ आपको फ्यूल गेज और कुछ वार्निंग लाइट्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके सस्पेंशन की बात करें गाइज, तो फ्रंट में ना आपको कन्वेंशनल फॉग देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं गाइज इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको ना 100 CC का आपको FIBS6 फेज 2 वाली आपको इंजन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको OBD2 सेंसर के साथ आएगी। जिसके पावर की बात करें तो 7.61 CC PS की आपको वहाँ पर पावर देखने को मिल जाएगी, और टॉर्क की बात करें तो 8.03 Nm की आपको वहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाएगी, जो कि 4-speed गेयरबॉक्स के साथ आने वाली है। साथ ही इसके माइलेज की बात करें गाइज, तो आपको ना 70-75 की माइलेज आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है ना गाइस, और 100 CC में आ रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा पावर तो नहीं मिलती है, ना ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलती है, तो जिससे इसकी जो माइलेज है ना गाइस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाइस इसमें आपको कुछ फीचर्स के, तो यहाँ पर आपको ना साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर हो जाता है। अब आते हैं इसके टायर और ब्रेक्स की तरफ, यानी व्हील्स और ब्रेक्स की तरफ। तो आपको ना फ्रंट और रियर में दोनों में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं विद ड्रम ब्रेक्स। आपको फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है और रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि CBS के साथ आती है गाइस। आपको फ्रंट में यानी कहीं पे भी आपको ABS देखने को नहीं मिलता है, ये आपको CBS देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं गाइस इसके प्राइस की, तो यहाँ पर अभी ना आपको 64,900 की अभी आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस देखने को मिल जाती है। इन फ्यूचर गाइस ये प्राइस बढ़ भी सकती है, तो अभी आप बुकिंग करा देना, बुकिंग ओपन हो चुकी है, तो आप जाके अभी राइट नाउ अभी आप जाके बुकिंग करा सकते हैं अगर आपको लेनी हो तो। और जब बुकिंग आप करा दीजिएगा ना गैस, तो ये आपको May 23 में आपको डिलीवरी भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी गैस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना गाइज। इसके साथ इसके लिए एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि होंडा साइन 100 CC और जो हीरो की आती है स्प्लेंडर 100 है ना, उसमें आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप वो वीडियो भी मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज़।